हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हम आए हैं जी अमृतसर की फेमस रंजीत एवेन्यू ए ब्लॉक में, जहाँ पर हमारे बोला नाथ जी हैं, जो कि अपने 20 साल से जो कि टिक्की का काम कर रहे हैं। इनकी स्पेशल टिक्की होती है और बड़ी डिफरेंट टिक्की है जी। इनकी जो पिट्ठी बड़ी डिफरेंट होगी और आप टिक्की देख सकते हो। टिक्की का जो साइज है बड़ा साइज रखा हुआ है और बनाने का भी तरीका बड़ा बढ़िया है। ये जो बनाते हैं जो तवे के ऊपर ही बनाते हैं और बेसिकली इनकी जो पिट्ठी है ना, जो इसका जो इन्होंने मटेरियल तैयार किया है वो बड़ा अलग है। बाकी हम भैया से पूछेंगे भी इसमें क्या क्या डाला हुआ है। इसमें चने की दाल डाली होती है और आलू वगैरह डाले होते हैं और कुछ मसाले वगैरह डालते हैं और बिल्कुल लाइट सी टिक्की बनाते हैं। साथ में हमें चटनी वगैरह, इनकी जो स्पेशल चटनी वगैरह होगी वो मिलेगी। तो बाकी हम करते हैं बात। नमस्ते बोला नाथ जी। तो बोला नाथ जी, कितना टाइम हो गया आपको टिक्की का काम करते हुए? 15 साल हो गए। 15-20 साल आप बोल रहे थे हो गए हैं। तो ये मार्केट बढ़ती है अपनी ए ब्लॉक जो रंजीत है ए ब्लॉक मार्केट है, तो बड़ा सिंपल है। मतलब मार्केट में जब भी तो मार्केट का कोई आपका आसपास में कोई फेमस क्या है आपके आसपास में? ये गोलगप्पे वाला है। अच्छा, ये गोलगप्पे वाले भैया है, उसके साथ में आप लगाते हो। तो बोला ना जी, थोड़ा बताइए, मैं देख रहा हूँ आपकी टिक्की बड़ी स्पेशल टिक्की है, अलग मुझे लग रही है बाकियों से। तो थोड़ा बताइए अभी कैसे तैयार करते हो, क्या क्या इसमें डालते हो? मसाले डालते हैं। अच्छा, ये मसाले होते हैं अपने? अच्छा जी, अच्छा जी, ये सब डालते हैं। अच्छा, ये उसमें आलू होते हैं और उसमें क्या क्या डालते हो? और ये मतलब धनिया होती है, अदरक, ये सब डालते। अच्छा, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो जैसे होम मेड टिक्की होती है वो वैसे ही तैयार करते हो। वैसे भी आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, 15-20 साल हो गए आपको यही काम करते हुए। तो आपकी बन टिक्की फेमस है या प्लेन टिक्की फेमस है जी? दोनों है। अच्छा, दोनों मतलब आपकी फेमस है, बन टिक्की भी चलती है और दूसरी भी चलती है। साथ में हमें चटनी जो होती है, चटनी कौन सी मिलेगी? चटनी है, मीठी है। अच्छा, मीठी चटनी है, ठीक है। एक मीठी चटनी होती है और कौन सी होती है? और खट्टी चटनी है। खट्टी चटनी है, मतलब साथ में दही है। अच्छा, साथ में दही भी मिलेगा हमें, प्याज भी है। अच्छा, प्याज सैलड में प्याज हो गया। तो जैसे नवरात्र वगैरह होते हैं तो आप क्या देते हो, मूली वगैरह देते हो प्याज की जगह? मूली सिर्फ डालते। और नवरात्रि वाली जो नवरात्रों वाली जो है टिक्की तैयार करते हो उस दिन? मसाले के बगैर होती है। अच्छा, मसाले के बगैर होती है, ये भी ऑप्शन होता है आपके पास। तो बहुत ही बढ़िया जी, और खुशबू एक नंबर की दोस्तों आ रही है। तो भैया, इसको किस में फ्राई करते हो? डालडा घी में। अच्छा, डालडा घी में होता है। तो स्पेशली डालडा ही होता है कि मतलब रिफाइंड वगैरह में ही करते हो? नहीं, सिर्फ डालडा। ये बनेगी बढ़िया, जो क्रिस्पी की टिक्की होगी वो डालडा में तैयार होती है। तो भैया, टाइमिंग क्या रखी है यहाँ पर अपनी? टाइमिंग 4:30 के बाद आते हैं। अच्छा, 4:30 बजे, 5 से 9:30 बजे ना। छुट्टी करते हो कोई? छुट्टी कभी कभी हो जाती है संडे वाले दिन, कभी बड़ी मतलब काम पड़ जाए घर में तो। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी तो हम ही अभी भैया आए हैं, अभी आ गए हैं, नहीं तो काफी रश हो जाता भैया के पास। तो ठीक है, अपने बोला भैया दिखाते हैं अभी क्या क्या आपने रखा हुआ जी। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टिक्की तैयार करते हो आप, और मैं देख रहा हूँ कितना बढ़िया मतलब कलर इसका लग रहा है मुझे। तो ये तवा काफी बड़ा है, इसमें कितनी टिक्कियां तैयार हो जाती है एक टाइम में? इसमें 100 टिक्की हो जाएंगी। अच्छा, 100 टिक्की एक टाइम में तैयार कर देते हो। तो बोला ना जी, कैटरिंग वगैरह भी करते हो? करते, कैटरिंग वगैरह भी आपको काफी मतलब ऑर्डर वगैरह आते हैं जी। ठीक है, ये देखिए छोटा छोटा सा जो सेटअप है भैया का, और ये बंद रखे हैं भैया, बंद ही खाना यार अपना, बढ़िया लग रहे हैं मुझे काफी। कहाँ से लेके आते हो ये? ये बेकरी से बनवाना पड़ता है। अच्छा, बेकरी से स्पेशल बनवाते हो, क्या बात है, बिल्कुल सॉफ्ट बंद लग रहे हैं। यहाँ पर आको आपको यहाँ पर बन टिक्की भी आपकी जो फेमस है वो भी मिलेगी। और क्या रखा भैया, ये क्या है इसके? और ये मसाला है टिक्की का। अच्छा, ये मतलब बैटर दिखाना यार। तो दोस्तों, ये है इनका जो टिक्की का बैटर, और सबसे बड़ी बात है मैं इसमें कोई भी बोला ना जी कलर नहीं देख रहा, नहीं तो मैंने बहुत ज्यादा टिक्की की कवरिंग की है, कलर वगैरह उन्होंने डाला होता है। तो आपने बिल्कुल नहीं कलर डाला हुआ, बिल्कुल सिंपल आपने रखा हुआ है इसको ना, नॉर्मल है। इसमें चने की दाल देख रहा हूँ, हरा धनिया देख रहा हूँ, हरी मिर्च देख रहा हूँ, और कुछ आप जैसे बता रहे थे अपने सीक्रेट मसाले होते हैं वो डालते हो। साथ में मिलने वाली हमें चटनी वगैरह ना, चटनी कौन कौन सी दिखाना भैया, क्या बात है। ये है आपकी स्पेशल गुड़ वाली चटनी, काफी गाढ़ी लग रही है, और साथ में कौन सी है? ये पुदीने की। अच्छा, पुदीना, इमली वगैरह डाली होती है इसमें? ठीक है, थोड़ा खट्टा पन जो इसमें आएगा, और सैलड में जैसे आपने वो रखे हुए हैं प्याज। तो बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, अपने बोला नाथ जी मेरे लिए टिक्की की प्लेट तैयार कीजिए। तो ये देखिए जी, टिक्की की प्लेट हमारी तैयार होगी। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ठीक है जी। तो एक प्लेट में कितनी टिक्की आती है? दो टिक्की आती है। ठीक है जी। और बन टिक्की में? बन टिक्की में दो। अच्छा, बन टिक्की में भी दो डालते हो, क्या बात है। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया लग रही है जी। और जैसे आप बता रहे थे भी हम डालडा के, डालडा मतलब घी में ही अच्छे
अच्छा अच्छा बड़ी बढ़िया लेके आते हो आप डालडा की। जी भैया ने टिक्की छोड़ दी है अपने घी में, तो इसको अच्छी तरह क्रिस्पी कर लेंगे ना आप। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। जब फ्राई हो रही है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की, हरी मिर्च की, हरा धनिया, ऐसे बड़ा अच्छा फ्रेगनेंस यहाँ पर आ रही है। वैसे भी भैया काफ़ी फेमस है ए ब्लॉक मार्केट में, तो भैया कहाँ कहाँ से आपके पास कस्टमर आता है थोड़ा बता दीजिए हमें। कस्टमर दूर दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। ठीक है, सर्दियों में तो आपके पास काफ़ी रश होता होगा, थोड़ा गर्मियों में ठीक होता है रश, थोड़ा सा कम भी हो जाता है। और मध्यम आँच पर आप इसको बना रहे हो ना, तेज आँच में रखी हुई ना, ये होगी हमारी रेडी। ठीक है, प्लेट तैयार करोगे ना, थोड़ा सा वो ऑयल हो जाए थोड़ा सा निकल जाए ना। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, प्लेट करेंगे तैयार हमारी। छोटा सा सेटअप है जी इनका, कार्ड भी भैया ने बड़ी सिंपल सी बनाई हुई है ना, बाइक लगाई हुई आगे, पहले अभी लगाई है, पहले तो ऐसे होगी, पहले साइकिल लगा हुआ था। अच्छा पहले साइकिल लगा था, क्या बड़ी मेहनत करते हो आप ये तो। टिक्की तैयार बोलो ना जी, क्या बात है, कितनी क्रिस्पी टिक्की तैयार हुई है, कलर चेक कीजिए कितना बढ़िया है। इसके ऊपर क्या क्या डालोगे भैया? इसके ऊपर चटनी पड़ेगी, चटनी डालोगे? ठीक है जी, चटनी आ गई हमारी, जैसे भैया बता रहे थे गुड़ वाली चटनी। हाँ क्या बात है जी, ये देखिए चटनी आ गई ऊपर, कितनी बढ़िया लग रही है। भैया थोड़ा बताइए चटनी कैसे तैयार करते हो, गुड़ में और क्या क्या डालते हो? गुड़ डालते हो एक तो चटनी बनती है, तो उसमें दूध डाल के उबाला देते हो। अच्छा ठीक है, उसको बॉयल देते हो। और ये क्या डालोगे अब? दही। अच्छा दही भी डालोगे, क्या बात है। ये देखिए अब प्लेट देखिए कितनी बढ़िया हो गई, और सैलड में आ गए हमारे प्याज। तो बोलो ना जी क्या प्राइस रखा आपने प्लेट का? 30 रुपये। कितना? 30 रुपये। 30 रुपया, इतनी बढ़िया आपने टिक्की तैयार कर दी है 30 रुपये में। और बन टिक्की? बन टिक्की 40। वो 40 रुपये, बिल्कुल जनरल प्राइस ले रहे हो भैया आप तो। और कोई एक खाना तो एक भी दे देते हो ना? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और भैया के पास काफ़ी रश आना शुरू हो गया, काफ़ी ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, तो चलिए दोस्तों करते हैं ट्राई, फिर बताते हैं आपको। चलो जी दोस्तों, बोला भैया ने कर दी टिक्की प्लेट तैयार, तो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत ही अच्छी टिक्की लगी। सबसे बड़ी बात है इन्होंने अपनी जो बैटर है जो टिक्की का, उसमें कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया, और स्पेशली जो इन्होंने ऊपर डाली है जी अपने गुड़ वाली चटनी, और अपनी पुदीना और इमली वाली, और दही और प्याज सैलड में, तो काफ़ी क्रिस्पी टिक्की तैयार की है उन्होंने। मसालों का फ्लेवर जो बहुत ही बढ़िया आया है। वैसे भी बढ़िया भैया जो है बड़े ही फेमस है ब्लॉक मार्केट में रंजीत एवेन्यू, तो इनके ऑपोजिट अपने शॉप पड़ती है जी, किंग कुलचे वाले हैं, करतार कुलचा पहलवान वाले हैं, उनके बिल्कुल सामने ये मार्केट में जो है शाम को आ जाते हैं 4:30 बजे, और वैसे 5 बजे शुरू हो जाता है, 9:30 बजे तक रहते हैं, छुट्टी कोई नहीं करते, कभी कभार छुट्टी करनी भी पड़े तो संडे को छुट्टी करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जी चटनी के साथ, तो बिल्कुल अच्छा इसका फ्लेवर आया है, साथ में ये देखिए इन्होंने सैलड में प्याज दिए हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल लाइट टिक्की है, बिल्कुल इसमें जो है बिल्कुल भी मिर्च वगैरह नहीं लगी, बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट आया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी भैया ने टिक्की तैयार करके दी है। भैया को 15 से 20 साल हो गए हैं, काफ़ी पुराना काम है इनका, कैटरिंग वगैरह भी करते हैं, और भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आएँ, भैया को सपोर्ट करें, और ऐसे अपने छोटे भाई को अपना प्यार देते रहना दोस्तों, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना।